वेलकम टू तेज एजुकेशन। इंडियन ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जैसे कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और नंदा देवी कहां पर स्थित है। आइएगा तो पूरे 20 प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस टॉपिक से 100% प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, आइएगा शुरू करते हैं। इस टॉपिक को हम दो भागों में पूरा करेंगे। आप हमारी वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किस प्रकार के पर्वत का। तो हिमालय पर्वत दोस्तों एक बलित पर्वत का मुख्य प्रकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो भारत की पर्वत श्रेणी जो नवीनतम है वो है हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो नामचा बारवे यह असम राज्य में स्थित पर्वत चोटी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति टेथीज भूसन्नति से हुई है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का पाद प्रदेश ट्रांस हिमालय के नाम से नहीं बल्कि शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अक्सर इसे ट्रांस हिमालय स्टूडेंट आंसर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही जवाब होता है शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है, नंदा देवी कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। अक्सर लोग इसे हिमाचल कर देते हैं, तो याद रखिएगा नंदा देवी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ पर। तो दोस्तों बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है। तो दोस्तों हिमालय में हिमरेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णगिरी। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन घाटियों को दून नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में जो घास के छोटे छोटे मैदान मिलते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। इससे पहले था जम्मू कश्मीर में घास के छोटे छोटे मैदानों को क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कुमायूं हिमालय विभाग जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, काली और तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है।
इसका सही जवाब होगा कि काली और तिस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय विभाग स्थित है। इस तरह से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखे। इसी तरह से फास्ट रिवीजन करने के लिए संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।